हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और कुछ यूनिट्स खत्म करने के बाद, बेसिक के कुछ यूनिट्स खत्म करने के बाद, ताकि आप लोगों को कोई आगे के यूनिट्स में प्रॉब्लम ना हो, अब हम लोग अपने एक केमिस्ट्री के नए ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा बेसिक का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाए और फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंप्लीट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उस पर भी बात करेंगे, उन यूनिट्स पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक नए ब्रांच को स्टार्ट करेंगे आज से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, हिंदी में कहेंगे इसको कार्बनिक रसायन, जैसा इसका नाम है, कार्बनिक मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड्स, उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स का जो स्टडी है उसको हम बेसिकली कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके पहले कि मैं इसके डेफिनेशन पर आऊं, कुछ बातें यहां पर बहुत जरूरी है वो मैं आपको बता दूं। जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आएंगे जिनके नाम को पहचानने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ कैसे पहचानेंगे फिर उनको, तो उनको जैसे देखें, जैसे आप किसी से मिलते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मिले, फिर धीरे धीरे आप उसके फेस को पहचानने लगते हैं, फिर उसका नाम भी आपको पता होता है, तो आप उसका नाम भी आपको पता चल जाता है कि इसका ये नाम है, तो आप उसको नाम से भी पहचानने लगते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि बार बार उनके नाम, उसको देखना है स्ट्रक्चर को और उसके नाम की प्रैक्टिस करना है कि उसका नाम क्या है। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है नॉमनक्लेचर करने का, नाम करने का, उसको हम कहते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो उन कंपाउंड्स को फिर हम वहाँ IUPAC नाम के हिसाब से पहचान लेंगे। लेकिन अभी इनिशियली कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिनका हो सकता है आपको नाम ही पता ना चला हो, लेकिन बाद में जब ऑटोमेटिकली हम लोग IUPAC के बारे में बात कर लेंगे तो वो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल 100% सैटिस्फाइड पता चल जाएगी कि इस कंपाउंड का नाम ऐसे आया था, इस कंपाउंड का नाम ऐसे होगा, इस कंपाउंड का नाम ये है। और कुछ स्ट्रक्चर्स हमेशा ऐसे रहेंगे जिनको आपको कॉन्सेंट्रेशन बना करके ही ध्यान रखना पड़ेगा। और करोड़ों करोड़ों स्ट्रक्चर हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि 10 20 50 स्ट्रक्चर है आप बहुत परफेक्टली उसको याद कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हम लोगों का क्राइटेरिया ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हम पहचानते हैं, ठीक। मैंने आपको हमेशा बताया है कि 100% परफेक्ट कोई भी दुनिया में हो नहीं सकता है, लेकिन हम रोज कोशिश करते हैं, रोज प्रयास करते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाएं, कुछ और अच्छा कर पाएं, इससे कुछ और अच्छा कर पाएं। इसीलिए मैं भी आपके लिए रोज स्टडी करता हूं नियमित रूप से, ताकि मैं कुछ और अच्छा आपके लिए दे पाऊं और सिंपलीफाई कर पाऊं मैं सब्जेक्ट को, ताकि सब्जेक्ट मेरे बच्चों को बिल्कुल टफ न लगे, उनको मजा आए, उनको अच्छा लगे। लेकिन देखिए, सब्जेक्ट में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई फिल्म नहीं है, सब्जेक्ट कोई म्यूजिक नहीं है कि आप उसको सुन लेंगे, उसके लिरिक्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप उन लिरिक्स को भी ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखेंगे तो आपको भूल जाते हैं, बहुत सारे गाने आप एक साथ नहीं गा सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से सब्जेक्ट भी रहता है, तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। अभी अगर मुझे नीट क्वालिफाई करना है, नीट के एग्जाम में निकलना है, तो मुझे 40+ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में सही करने हैं। 40+ क्वेश्चन जब हम सही करेंगे तभी हम सिलेक्शन के दायरे में पहुंच पाएंगे, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो एटलीस्ट केमिस्ट्री के हिस्से में 40+ क्वेश्चंस को राइट करने का हमारा एम हमेशा होना चाहिए, 40+ क्वेश्चन हमें सही करने ही हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और उसके लिए हमको धीरे धीरे अपने आप को डेली टू डेली परफेक्ट बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिर से कि आप 100% आपको केमिस्ट्री आ जाएगी या 100% केमिस्ट्री मुझे आती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको रोज प्रैक्टिस करके, रोज कोशिश करके उसको परफेक्ट बनाना है, उसको परफेक्ट करना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतने अच्छे से उसको परफेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया लेकर के हमको चलना है, ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ की, किसी भी बात की। देखिए,
डिमोटराइज होने से, टेंशन लेने से किसी का कोई भला नहीं हुआ है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि लोग डिप्रेशन में अलग चले जाते हैं। तो हम क्यों डिप्रेस हों? हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे जाने के लिए, आगे काम करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हम डिप्रेस होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? डिप्रेशन में जाने के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे ना, हम तो अच्छा करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो काम है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव यूनिवर्स में भी हमेशा पॉजिटिव चीजें डालनी है, छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, बड़ा काम करने की नहीं सोचना है, छोटे छोटे काम करके बड़े काम में उसको अपने आप कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रोज नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ना है, तो डेली पढ़ेंगे तो धीरे 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 चीजें परफेक्ट होती जाएगी, प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं बनती है वो आपको बनने लगेगी, आपको लगेगा हाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो हमारा जो वर्क होता है, जो रूटीन होता है, होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि हमको इस वे में ये काम करना है और उसके लिए ये चीज चाहिए, ये टूल्स चाहिए मुझे सिलेक्शन के लिए। तो उन सभी चीजों पर हमको परफेक्टली काम करना है। ठीक है, गलतियां भी होती है, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। कभी कोई बच्चे कहते हैं ये गलत है वो गलत है, ऐसा होता नहीं है कॉमनली, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती, गलत हो सकती है। तो गलती होती है तो सुधार लेंगे, गलतियों को सुधारा जा सकता है, गलतियों को सुधारते हैं। अगर गलती नहीं करेंगे तो इंसान कैसे रहेंगे? अब तो ईश्वर नहीं हो जाएंगे, भगवान नहीं हो जाएंगे, फिर तो गॉड हो जाएगा जो गलती करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई चीज़ मान लीजिए ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग आ रहा है, आपको सही चीज़ पता है, दैट्स गुड, नहीं पता है एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, कई बार बोलने में भी चीज़ें ऐसी होती है कि वो बाय मिस कुछ दूसरा हो जाता है, बोलना चाहते हैं कुछ दूसरा हो जाता है। तो ये ह्यूमन बींग का नेचर है, ये ह्यूमन बींग की टेंडेंसी है, उससे कुछ ना कुछ गलती होती है। कभी भी मैंने आपको बताया कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम लोग एक नए ब्रांच को शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया कि कुछ चीज़ें इनिशियली ऐसा लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है, बट फाइनली वो चीज़ें आपको पता चलेगी, कैसे हुआ, कैसे आया, स्ट्रक्चर कहाँ से आया, ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगी। लेकिन स्ट्रक्चर्स को हमको ये भी ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को कलेक्ट करना है, स्ट्रक्चर का जिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनका कोई अलग से नेमिंग का सिस्टम नहीं है, जो नाम है उसका वही उसका नाम है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सभी तरफ से कुछ समझकर, कुछ सोचकर और कुछ पर हम एनालाइज करके, और कुछ का जिनका साइंटिफिक तरीका है उनको हम उन साइंटिफिक तरीकों से हर तरीके से अपने लिए वो सारी चीज़ें अपने सारे टूल्स कलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और जो हमारा मोटो है वो पूरा हो और हम लोग लाइफ में डे पर डे आगे चलें और आगे अच्छा 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 करते रहें। ठीक है कमांडोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कार्बनिक रसायन, और पहले थोड़ा सा इससे रिलेटेड पॉइंट्स पर कुछ साइंटिस्ट के नाम, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे, तो वहां से चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर IUPAC, तो जो यूनिट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक हिस्ट्री के बाद, ऑर्गेनिक की जो हिस्ट्री है उसके बाद जो चीजें स्टार्ट करेंगे वो यूनिट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं उसको GOC कहता हूं, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम लोग 3 यूनिट को इंक्लूड करेंगे, दैट यूनिट्स आर IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, देन इसके बाद बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, एंड देन फाइनली बात करेंगे उसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसका जो पोर्शन है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वो भी एंडलेस है, कभी उसका अंत नहीं हो सकता है, हर रिएक्शन का अपना कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है, लेकिन हमारे ब्रेन की, हमारे याद करने की एक कैपेसिटी है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर कई सारे बुक्स हैं, ठीक है, बहुत मोटे मोटे बुक्स हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर, तो अब उतना हमको क्या जरूरत है करने का, जितना हमारा काम है उतना हम करेंगे। ठीक है, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिफिकल्टी हो तो आपको अपने जो आपके नीट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको देखना है कि उसमें किस लेवल तक कवर किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नीट का जो सिलेबस है उसमें लगभग हर यूनिट से कुछ ना कुछ पूछते हैं, और इसका कट ऑफ परसेंटेज भी लगभग 70 ऑन एवर रहता है, और जबकि IIT से ही एडवांस
एक अलग बात हो जाती है आईआईटी से ही, उसमें मेंस तक का हिस्सा तो आराम से कवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब एडवांस की बात होती है तो आपको पता है उसका कट ऑफ 15-16% रहता है, 17-18% मान लीजिए, अब अराउंड 20% मान लीजिए, तो 20% जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ परसेंटेज होता है एडवांस का, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके पेपर को कैसे डिजाइन किया जाता होगा। तो उसके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है, बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको अपने जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो हमारे पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको फॉलो अप करना है। कई बार क्या होगा कि एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में अलग अलग इंस्टीट्यूट डालते हैं, तो अब उनका हमको कोई काम ही नहीं है, तो जिसका हमको कोई काम नहीं है उसमें हम क्यों उलझे। हमको कोई केमिस्ट्री में साइंटिस्ट तो अभी बनना नहीं है, ऐसा तो आइडिया है नहीं, अगर बनना भी होगा तो हम आगे जा करके एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप एज अ साइंटिस्ट जा सकते हो, एज अ साइंटिस्ट आप काम कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी है, तो ऐसा कोई उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको करना नहीं है, कोशिश करनी है, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो किसी भी हालत में डिमोरलाइज नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जो किसी को ना बने, जो आसानी से ना बने, तो वो एडवांस का क्राइटेरिया होता है, वहां पे केवल ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा वो बच्चा है जो 100 में से या 50 में से वो 5 क्वेश्चन करता है, वो 5 क्वेश्चन सही कर पाता है जिसको कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वही तो उस एग्जाम के लायक है, वही तो उस एग्जाम में निकलने के लायक है, ठीक है, तो वहां का पेपर का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। हमारे यहाँ पे नीट के पेपर में, एम्स के पेपर में लगभग सभी यूनिट्स को कवर करते हैं, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है, 30 क्वेश्चन आता है बेसिकली, देखा जाए तो 25 क्वेश्चन कर दिया अभी, है ना, तो उन 25 क्वेश्चंस में से आधे यूनिट तो वैसे छूट जाते हैं, आधे यूनिट में से तो कुछ नहीं पूछते, और कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जहां से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारा जो सिलेबस है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, पुराने नीट में आए हुए क्वेश्चन हमको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एम्स में आए हुए क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहे तो उस पर थोड़ी और एफर्ट लगानी है और उसको बनाना है, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, हम सब लोग मिलकर के पढ़ाई करते हैं, मैं आपको गाइड करता हूं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, तब जा करके परफेक्टली सब्जेक्ट तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले मैंने आपसे जैसा बोला कि पहले हम लोग कुछ साइंटिस्ट के नाम पर बात करेंगे, तो सबसे पहला नाम आएगा लैबोजियर का, एंटोनियो लैबोजियर। लैबोजियर वॉज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। लैबोजियर वॉज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। लैबोजियर को रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पूरे केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो पहला नाम आएगा लैबोजियर का, है ना, तो लैबोजियर वॉज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री और फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी बात, बर्जीलियस वॉज नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बर्जीलियस वॉज नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बर्जीलियस को कार्बनिक रसायन का जन्मदाता मानते हैं। बर्जीलियस वॉज नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए इनिशियली थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, इनिशियली इट इज considered or it is known, it is known that organic compound is not prepared in laboratories लैब, ओके। तो शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज। इट इज ओनली कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स।
इट इज ओनली कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इनिशियली ये केवल ऐसे माने जाते थे कि ये प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं, इट मींस फ्रॉम लिविंग बींग्स. इट इज ओनली कम्स फ्रॉम, इट इज ओनली रिकवर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट मींस ओनली फ्रॉम लिविंग बींग्स, ओनली फ्रॉम लिविंग बींग्स. इनिशियली इनको केवल हम लिविंग बींग्स से प्राप्त कर पाते थे, लिविंग बींग्स से निकाल पाते थे. ठीक है, तो ऐसा शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल लिविंग बींग से मिलते हैं. ठीक है, तो बर्जिलियस ने इसके लिए क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बर्जिलियस ने. इसका मतलब यह है कि दैट द कंपाउंड्स, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिकवर्ड फ्रॉम द लिविंग बींग्स. ओके, तो ये बात ध्यान रखना है. तो सेकंड नंबर पर हमने बात किया बर्जिलियस के बारे में, तो बर्जिलियस ने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं बर्जिलियस को. और अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस कॉन्सेप्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ओनली लिविंग सोर्सेस. ही गिव वाइटल फोर्स थ्योरी. और बर्जिलियस ने क्या काम किया, गिव वाइटल फोर्स थ्योरी दिया बर्जिलियस ने. ठीक है, तो इनिशियली इट इज कंसीडर्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस, इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस. ठीक है, और इसको केवल लिविंग फोर्स या लिविंग सोर्सेस से निकाल सकते हैं. एंड दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द वाइटल फोर्स थ्योरी. और इसके लिए बर्जिलियस ने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया, दिस इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी. तो ध्यान क्या रखना है, बर्जिलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, ये ध्यान रखना है बस. और बर्जिलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है, ये ध्यान रखना है, दो बातें. ठीक है, तीसरी बात, रॉबर्ट बॉयल वॉज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो रॉबर्ट बॉयल को फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडर कहते हैं, वॉज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है रॉबर्ट बॉयल को. ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल वॉज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो तीन पॉइंट्स याद हो गए आपको, लावोजियर को पूरी केमिस्ट्री के का फाउंडर बोलते हैं, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री अगर क्वेश्चन आया तो आंसर हो जाएगा लावोजियर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया तो आंसर हो जाएगा बर्जिलियस. क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बर्जिलियस ने, और ये बताया था कि द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओनली लिविंग बींग. ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, लिविंग बींग्स आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट मीन्स इट इज ऑब्टेन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, केवल पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक, ऐसा कहा बर्जिलियस ने. और रॉबर्ट बॉयल को फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडर कहते हैं, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉज द रॉबर्ट बॉयल. ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं. अगली बात, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन, CH4 मीथेन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. मीथेन सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक यौगिक था. मीथेन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. मीथेन सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक यौगिक था. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस. इसको मार्श गैस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस बिकॉज ऑब्टेन फ्रॉम द मार्सी प्लेसेस, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मार्सी प्लेसेस, दलदल वाली जगह से निकलता है, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहते हैं. तो मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया, वो है मीथेन. किस, और मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दलदल वाली जगह से निकलता है. ठीक है, मीथेन वॉज
मीथेन इज रिकवर्ड फ्रॉम द मार्शी प्लेसेस, इसलिए इसको कहते हैं मार्श गैस। अगली बात, अब देखो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, तो ये ध्यान रखना है, अभी कुछ बताया नहीं है तो ध्यान रखिए मीथेन CH4 को कहते हैं। तो दो इसके मेन कंटेंट है, एक बायोगैस, बायोगैस ठीक है, बायोगैस में लगभग 65% तक मीथेन होता है, बायोगैस कंटेनिंग नियर अबाउट 65% मीथेन। बायोगैस निकालने के लिए गांव में गोबर गैस प्लांट लगते हैं ठीक है, वहां से सीएनजी, वहां से मीथेन को निकाल करके उसको एज अ कुकिंग गैस भी यूज करते हैं ठीक है। तो मीथेन इज द मेन कंटेंट ऑफ बायोगैस। इसके बाद नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के अंदर लगभग 90% तक मीथेन होता है, और पेट्रोलियम वेल जो है, पेट्रोलियम माइंस जो है उनका प्रोडक्ट है मीथेन। कहां से निकलता है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है वहां पे पहले गैसेस निकलती है, फिर बाद में पेट्रोल कंटेंट आता है ठीक है, क्योंकि सबसे पहला कार्बन तो यही है, एक कार्बन का मेंबर तो सबसे पहले तो मीथेन ही निकलेगा ठीक है। तो नेचुरल गैस के अंदर 90% तक मीथेन होता है, और इसके कंटेंट जिस फॉर्मेट में हम यूज करते हैं वो है CNG, LNG, LNG, PNG ठीक है। तो इसके कुछ कॉमन ट्रेडिशनल नेम है, ट्रेड नेम है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, आजकल पाइप्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, बट द नेचुरल गैस इज ओनली मीथेन। मीथेन नेचुरल गैस है, ये ध्यान रखना है, और नेचुरल गैस के अंदर लगभग 90% तक मीथेन कंटेंट रहता है। मीथेन कितना रहेगा, 90% तक रहता है नेचुरल गैस के अंदर मीथेन। और ये जब भी अगर शुरुआत में भी आपने 9th-10th में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक वहाँ आया है, एक यूनिट था 10th में ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया रहता ही है, लेकिन फिर भी एकदम जीरो से स्टार्ट किया है हमने सब्जेक्ट को, ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो ठीक है। तो CNG, LNG, PNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस, ये सब इसके ट्रेड नेम हैं, और इसका मेन कंटेंट है मीथेन। अब बात हो गई मीथेन की, तो जरा LPG के बारे में भी बात कर लेते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका जो मेन कंटेंट है LPG का वो है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो नॉर्मल ब्यूटेन एक शब्द आया, तो बाद में ये सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। CH3, CH2, CH2, CH3 ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, प्लेन स्ट्रक्चर रहता, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे इसको ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन इज द कंटेंट ऑफ LPG, और नॉर्मल ब्यूटेन की खास बात होती है ऑर्डर लेस होता है, कोई स्मेल नहीं आती है ब्यूटेन से। लेकिन आपने देखा होगा कि घर में अगर सिलेंडर खुल जाता है या थोड़ी बहुत गैस लीक करती रहती है तो इट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्डर, उसमें से एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर आता है जिसे पता चल जाता है, उस बैड ऑर्डर से ये पता चलता है कि गैस लीक कर रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, C2H5SH, इथाइल थायो अल्कोहल, या इथाइल मर्केप्टॉल भी बोलते हैं इसको। तो C2H5SH यूज टू प्रोड्यूस ऑर्डर। तो ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए C2H5SH का इथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल मर्केप्टॉल का यूज किया जाता है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन के साथ उसको मिक्स कर देते हैं, ताकि अगर ब्यूटेन निकल रहा है, लीक कर रहा है सिलेंडर, तो पता चल जाए। तो नॉर्मल ब्यूटेन इज द कंटेंट, इज द मेन कंटेंट ऑफ द LPG। LPG के अंदर जो मेन कंटेंट है वो है नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम लोग अभी कंपाउंड्स के एक एक करके बात करते हैं। अब अगर मैं देखो पेट्रोल की अगर मैं बात करता हूं, पेट्रोल तो दो चीजें रहती है पेट्रोल के अंदर, एक नॉर्मल हेप्टेन और एक आइसो ऑक्टेन, दो चीजों का मिक्सचर है, टू डिफरेंट केमिकल्स का मिक्सचर है पेट्रोल, नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। अब नॉर्मल हेप्टेन कहा तो 7 कार्बन का चैन, ओके, CH2
CH2 एक दो तीन चार पांच और ये छह और ये सात. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन. ये नॉर्मल हेप्टेन है और नॉर्मल हेप्टेन जितना रहेगा पेट्रोल के अंदर वो उसकी इम्प्योरिटी है. तो नॉर्मल हेप्टेन इज द इम्प्योरिटी ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है? नॉर्मल हेप्टेन के फॉर्म में है. और आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन. 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन. नेमिंग में दिक्कत हो सकती है अभी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है उसका. देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन. अभी तो आप केवल ऊपर वाला नाम याद कर लो कि आइसो ऑक्टेन कहते हैं इस स्ट्रक्चर को. स्ट्रक्चर देख लो, नेमिंग नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं है. 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन आर आइसो ऑक्टेन. और आइसो ऑक्टेन इज द प्योरिटी ऑफ पेट्रोल. ये पेट्रोल की प्योरिटी है, मतलब जितना हिस्सा आइसो ऑक्टेन का होगा उतना परसेंट पेट्रोल प्योर होगा. ठीक है, जितना हिस्सा आइसो ऑक्टेन का होगा उतना ही पेट्रोल की प्योरिटी होगी. तो पेट्रोल में दो केमिकल मिलेंगे आपको, नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन. इट इज कॉल्ड 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन. एक बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पेट्रोल. ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें आपको अभी से बताते हुए चल रहा हूं मैं. स्ट्रक्चर में भी आएगा वो नेचुरली, लेकिन शुरू से ध्यान रखेंगे. तो आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन दो चीजें रहती है पेट्रोल के अंदर, ये ध्यान रखना है. और आइसो ऑक्टेन का जो कॉम्पोजिशन है इट इज 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन. अगली बात क्या ध्यान रखना है, देखो दो चीजों का कंपोजिशन हो गया पेट्रोल. जितना नॉर्मल हेप्टेन होगा उतनी इम्प्योरिटी, और जितना आइसो ऑक्टेन होगा उतनी प्योरिटी. तो प्योरिटी ऑफ पेट्रोल, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर. पेट्रोल की प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं हम उसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर तो कैसे डिफाइन होगा? सिंपली परसेंटेज ऑफ नॉर्मल हेप्टेन एज कंपेयर टू आइसो ऑक्टेन. आइसो ऑक्टेन के सापेक्ष नॉर्मल हेप्टेन की प्रतिशत मात्रा, आइसो ऑक्टेन के सापेक्ष नॉर्मल हेप्टेन की प्रतिशत मात्रा पेट्रोल की शुद्धता कहलाती है या उसकी ऑक्टेन संख्या कहलाती है. तो पेट्रोल की प्योरिटी को हम कैसे देखते हैं? ऑक्टेन नंबर से देखते हैं. अब जैसे कभी क्वेश्चन आ गया है ना, हालांकि पेट्रोलियम अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से कभी क्वेश्चन आ गया कि एक सैंपल है पेट्रोल का, उसमें उसका ऑक्टेन नंबर 75 है. ऑक्टेन नंबर इज 75. तो व्हाट इज अबाउट द प्योरिटी ऑफ द पेट्रोल? तो इट इज 75% प्योर, है ना. तो जितना ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही पेट्रोल की प्योरिटी होगी. इट मींस ऑक्टेन नंबर डिफाइंड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ आइसो ऑक्टेन. आइसो ऑक्टेन के प्रतिशत मात्रा को व्यक्त करता है ऑक्टेन नंबर. ठीक है, तो जितना आइसो ऑक्टेन होगा, जितनी ऑक्टेन नंबर होगी उतना ही पेट्रोल का प्योरिटी होगा. ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? अगर किसी सैंपल का ऑक्टेन नंबर 75 है या ऑक्टेन नंबर 80 है, 90 है, तो उस पेट्रोल की प्योरिटी भी उतनी ही होगी. 75 अगर ऑक्टेन नंबर है तो इसका मतलब आइसो ऑक्टेन उसमें 75% है और उसमें नॉर्मल हेप्टेन 25% है. तो इट इज 75% प्योर एंड 25% इम्प्योर. तो दिस इज द टर्म, इस टर्म को ध्यान रखना है ऑक्टेन नंबर. इट इज रिलेटेड विद द प्योरिटी ऑफ पेट्रोल. ये पेट्रोल की शुद्धता से संबंधित है. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डीजल के बारे में. डीजल के अंदर दो कंपोनेंट रहते हैं, हेक्साडेकेन
इसको कहते हैं सीटेन भी कहते हैं, इसको सीटेन, हेक्साडेकेन और सीटेन। और दूसरा कंटेंट है इसका अल्फा मिथाइल नेप्थालीन, अल्फा मिथाइल नेप्थालीन। अभी आपको किसी चीज का कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है दो चीजें रहती है, सीटेन और हेक्सा मिथाइल नेप्थालीन, ठीक है। और जितना इसमें हेक्साडेकेन रहेगा, हेक्साडेकेन मतलब 16 कार्बन का कंटेंट हो गया, तो CH3 CH2 एक साथ लिख देता हूं, 15 CH3, तो 17 हो जाएगा, 16 चाहिए ना, 16 कार्बन, तो 15 और ये 16, ये हो गया हेक्साडेकेन। और दूसरा केमिकल है इसमें अल्फा मिथाइल नेप्थालीन। तो हेक्साडेकेन RC10 इज द प्योरिटी, ये डीजल की प्योरिटी है और ये डीजल में मिलने वाली इम्प्योरिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं, हेक्साडेकेन RC10। इसलिए जो डीजल का प्योरिटी है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द टर्म सीटेन नंबर। सीटेन नंबर शब्द का प्रयोग करते हैं डीजल की प्योरिटी को पता करने के लिए। जैसे बोला कि सीटेन नंबर 90 है, इट मींस डीजल इज 90% प्योर, इट कंटेन 90% हेक्साडेकेन, उसमें 90% सीटेन प्रेजेंट है, मतलब हेक्साडेकेन प्रेजेंट है, और बाकी का 10% अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है। तो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन इज द इम्प्योरिटी ऑफ द डीजल। तो दो चीजें हैं डीजल के अंदर, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो पेट्रोल में दो चीजें 2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन और आइसो ऑक्टेन, और डीजल में भी दो चीजें, एक सीटेन और एक अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो दिस इज अबाउट द प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द पेट्रोल एंड डीजल। तो ये दो और केमिकल्स की बात हो गई, ठीक है। और ये सभी जो है प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बने हैं। दिस द ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अर्थ पर होने वाले चेंजेस से बना पेट्रोलियम, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मेराइन प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बना है पेट्रोलियम। एंड सो मेनी थ्योरीज आर देयर, ठीक है, जो इस बात को प्रूव करती है, लेकिन हमको उस टॉपिक पे जाना नहीं, हमको अपने काम की बात करनी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लैब में बना हुआ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज यूरिया, और एक्सीडेंटली बन गया था, गलती से बन गया था, ऐसा कह लें। साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उस ड्यूरेशन में वो बन गया केमिकल, है ना। तो फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज यूरिया, यूरिया वॉज द फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय फ्रेडरिक बोलर। एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक बोलर बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ अमोनियम साइनेट के साथ कुछ काम कर रहे थे, है ना, अमोनियम साइनेट को रीअरेंजमेंट से यूरिया में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट हो गया अमोनियम साइनेट रीअरेंजमेंट पर यूरिया में। अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट इसका भी 60, द मॉलिक्यूलर वेट इज 60 हियर ऑफ अमोनियम साइनेट, एंड यूरिया का भी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, यूरिया का भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो 60, इट कंटेन 46.66% ऑफ नाइट्रोजन, हाईएस्ट इन द ऑल फर्टिलाइजर्स, ओके, सभी फर्टिलाइजर्स में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है यूरिया के अंदर। तो यूरिया कंटेनिंग नियर अबाउट 46.66% ऑफ नाइट्रोजन। तो फ्रेडरिक वॉलर ने पहला कंपाउंड बनाया लैब में, एंड दैट कंपाउंड इज यूरिया, और वो कंपाउंड कौन सा है, यूरिया। कैसे बना, बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ अमोनियम साइनेट। रीअरेंजमेंट वो रिएक्शन होती है जिसमें एटम का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है विदाउट एलिमिनेटिंग एनीथिंग, ठीक है, बिना एलिमिनेशन के मॉलिक्यूलर वेट पर भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक वॉलर ने पहला कंपाउंड
सिंथेसिस किया लैब में। अब जब फ्रेडरिक फोलर ने पहला कंपाउंड सिंथेसिस कर दिया तो जो बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी था वो अपने आप डिस्कॉर्ड हो गया। दिस डिस्कवरी डिस्कॉर्ड द बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस डिस्कवरी ने बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी को अपने आप डिस्कॉर्ड कर दिया। ठीक है, अगली बात करते हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH was the first lab prepared organic compound, lab prepared organic compound by its constituent by Kolbe। और लैब में कोल्बे ने पहली बार जानबूझ करके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एडप्ट करके कोई कंपाउंड बनाया। तो देखिए आप कैसे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आंसर हो जाएगा यूरिया, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आंसर हो जाएगा अमोनिया, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड कंपाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल रिएक्शंस तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। किसने बनाया? कोल्बे ने बनाया। ठीक है, तो कोल्बे ने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड को, मीथेन को प्रिपेयर किसने किया था? मीथेन तो नेचुरली डिस्कवर्ड भी है, लेकिन मीथेन वॉज प्रिपेयर्ड बाय बर्थलॉट। तो बर्थलॉट ने मीथेन को बनाया था पहली बार। बर्थलॉट ने मीथेन को सिंथेसिस किया पहली बार। ठीक है, तो दिस वॉज द सम हिस्टोरिकल पॉइंट्स रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने बात किया ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स पर। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ओके, बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की जो बैलेंसी होगी वो 4 होती है। ठीक है, और इसकी जो टेट्राहेड्रल बैलेंसी है, दिस वॉज द टेट्राहेड्रल बैलेंसी विच इज एट एंगल ऑफ 109 degree 28 minute, जो कि 109 degree 28 minute के बॉन्ड एंगल पर रहती है। ठीक है, तो दिस बॉन्ड एंगल वॉज रिपोर्टेड बाय लीबल एंड वॉन्टॉफ। इसकी रिपोर्टिंग किया था पहली बार लीबल और वॉन्टॉफ ने। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल बैलेंसी वॉज रिपोर्टेड बाय लीबल एंड वॉन्टॉफ ने इसकी टेट्राहेड्रल बैलेंसी को रिपोर्ट किया। टेट्राहेड्रल बैलेंसी वॉज रिपोर्टेड बाय लीबल एंड वॉन्टॉफ। ठीक है, और वॉन्टॉफ के बारे में भी आपको एक बात ध्यान रखना है, वॉन्टॉफ वॉज अवार्डेड बाय द फर्स्ट टाइम इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बाय द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार, फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री वॉज गिवन टू वॉन्टॉफ। वॉन्टॉफ वो साइंटिस्ट थे जिनको फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री के फील्ड का नोबेल प्राइज मिला है फॉर द लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। वॉन्टॉफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दिस इज अबाउट सम जनरल पॉइंट्स, जिसकी हमें जरूरत थी वो हमने कवर किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप में डिवाइडेड है। ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ओपन चैन को एलिफैटिक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एलिफैटिक
कंपाउंड। एलिफैटिक का मतलब होता है विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द फैट, जिसको फैट से निकाला गया है, जिसको फैट से ऑयल या फैट से डेराइव किया गया है वो एलिफैटिक कंपाउंड है। तो पहला इसका जो क्लास है वो है ओपन चैन, और ओपन चैन को हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। दूसरे जो कंपाउंड्स हैं इट इज नोन एज क्लोज्ड चैन, क्लोज्ड चैन। अब क्लोज चैन फिर से दो टाइप में बटा हुआ है, दैट इज होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज अरोमेटिक एंड एलीसाइक्लिक। सबके बारे में हम पूरी डिटेलिंग से बात करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अरोमेटिक और एलीसाइक्लिक ये दो टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड के। तो दीज आर टू होमोसाइक्लिक कंपाउंड, टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स सिमिलर, सिमिलर क्या एलिमेंट्स, कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। तो कार्बन के जो कंपाउंड है तो होमोसाइक्लिक means all the carbon, all the closed chain is made up of only carbon, inside the carbon chain only carbon, homocyclic। और alicyclic दो type है फिर homocyclic के, aromatic और alicyclic। aromaticity पर भी अलग से बात करेंगे, उस पर एक lecture अलग से ही रहेगा तभी वो समझ में आएगा कि what is the meaning of aromaticity। okay, तो homocyclic कंपाउंड दो टाइप के हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एंड सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक हिंदी में इसको कहते हैं विषम चक्री, और इसको कहते हैं सम चक्री, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक एज इट इज आ जाता है। तो दिस इज अबाउट द इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ओपन चैन एलिफेटिक कंपाउंड बोलेंगे, क्लोज चैन इट इज नोन एज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर होमोसाइक्लिक के दो टाइप है, अरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओपन चैन कंपाउंड्स के बारे में, ओपन चैन कंपाउंड्स। तो ये सब जो हिस्सा है ये आपको बहुत क्विकली रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली रिवाइज करना है, इनको बहुत अच्छे से याद करना है ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। जिन बच्चों को पता है तो उनके लिए तो बहुत ही एडवांटेज है, और जिनको नहीं पता है उनको बहुत जल्दी जल्दी इसको याद करना है, क्योंकि आगे आने वाले पोर्शन में IUPAC में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक दिन में कवर होंगे, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद रहेगी तो ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब ओपन चैन का जो पहला टाइप देखे, ओपन चैन कंपाउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ओपन चैन कंपाउंड्स जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है फिर से, ठीक है। वन ऑफ देम सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन, है ना। हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे आगे चल करके। तो सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेशन का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ओके। इसके बाद दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप हैं, अल्कीन्स, डबल बॉन्ड तो होगा ही अनसैचुरेशन है तो, और दूसरा अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, ओलिफिन्स नाम भी ध्यान रखने हैं, अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स, इट मीन्स एज सेम एज ऑयल, ऑयल जैसे कंपाउंड है, नाम है ये, ठीक है, इट इज ओनली द नेम ऑफ द कंपाउंड, ओके। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड है इसमें क्या खास बात हो गई, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका एक टाइप है अल्केन, अल्केन्स इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, अल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। आपने कॉमनली पैराफिन वैक्स नाम सुना होगा, तो जो वैक्स जैसे होते हैं लेकिन इनिशियल मेंबर तो वैक्स जैसे है नहीं, लेकिन ये उसके नाम का तरीका है। जैसे देखिए, जैसे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम दो सब्सटेंस से मिलके बना, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा इज द रॉक्स एंड ओलियम इज द ऑयल, पेट्रा ओलियम, तो पेट्रोलियम ऑयल ऑफ रॉक्स। अब आप सबको पता है चट्टानों में से तो कोई तेल निकलता नहीं है, लेकिन उसके नाम का वो क्लासिफिकेशन है,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसमें कुछ चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। तो ओपन चेन कंपाउंड फिर से दो टाइप के हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का एक ब्रांच है अल्केन या पैराफिन, अनसैचुरेटेड की दो ब्रांचेस है एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अब इसके बाद हम लोग एक ब्रांच पर आज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन को अगले लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे, है ना। बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे जहां ताकि आगे जाकर के कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो पहले बात करते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की। पहली ब्रांच है अल्केन्स, ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है जो वैक्स जैसा हो। तो अल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, सबके जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और सफिक्स, सफिक्स मतलब जो नाम के बाद में लगाया जाता है वो है सफिक्स एन, आफ्टर द नेम एन, ठीक है सफिक्स। तो एन इज द सफिक्स फॉर अल्केन्स। अब देखो कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट एन्स, डिफरेंट डिफरेंट एन्स को हम कैसे बना पाएंगे। तो ये जो टर्म्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इट इज द ग्रीक ग्रीक टर्म, ये ग्रीक भाषा के लिए हुए शब्द हैं, ग्रीक भाषा की गिनतियां हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं ग्रीक की। जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं ना हिंदी में 1 2 3 4, फिर उसको इंग्लिश में कैसा पढ़ते हैं 1 2 3 4, तो ग्रीक भाषा में कैसे पढ़ते हैं, हाउ इन द ग्रीक लैंग्वेज, तो दिस इज मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ग्रीक नंबर्स, ग्रीक नंबर से काउंटेड है, ये ग्रीक नंबर से लिए हुए हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको, CnH2n+2 क्या जोड़ना है जिससे वो एल्केन बन जाए, Ane जोड़ना है, ठीक है। तो पहला जो टर्म है वो है मेथ, फर्स्ट टर्म इज मेथ, ठीक। अब फॉर्मूला बनाना है तो एक तरीका ध्यान रख लीजिए, अल्केन्स कैसे पहचान में आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन कैसा होगा, तो कार्बन के नंबर को डबल करिए और उस पर दो और जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन का नंबर आपको मिल जाएगा CnH2n+2। क्या करना है, जैसे मैंने लिखा कार्बन C, अब क्या करना है कार्बन के नंबर को डबल कर दीजिए, डबल करेंगे तो एक का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, तो क्या बन गया CH4, मेथ में एन जोड़ दीजिए तो क्या हो गया मीथेन। तो दिस इज द फर्स्ट ग्रीक वर्ड मेथ, सेकेंड एथ। अब देखिए कैसे बनेगा C2, डबल करेंगे तो 4 हो गया, 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया C2H6, इथेन, मीथेन, इथेन। थर्ड नंबर पे आता है प्रोप, तो इसको बहुत शार्पली याद रखना है, प्रोपेन C3H8, कार्बन के नंबर से डबल करके 2 जोड़ देना है, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब बन गया ये आपका कंपाउंड प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन के बाद फोर्थ नंबर पर आएगा ब्यूट, लिखते BUT से है बट प्रोनंसिएशन इसका ब्यूट होता है, ब्यूट C4H10, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन, तो ये हुआ आपका कंपाउंड ब्यूटेन। अब धीरे धीरे चीज आपको क्लियर होने लगेगी, पेंट C5H12, नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, पेंट में एन जोड़ देंगे तो ये बन गया पेंटेन। नंबर 6 पे आएगा हेक्स C6H14, हेक्सेन, ओके। तो दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेप्ट C7 है तो कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो 14 हो गया, 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, ओके C7H14, क्या कहेंगे हेप्टेन, इसका प्रोनंसिएशन क्या हो जाएगा हेप्टेन, तो ये हो गया हेप्टेन तक। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, यहां तक पहुंच गए हम लोग हेप्टेन तक, है ना। तो दिस इज अबाउट 7 कार्बन एटम, ये 7 कार्बन एटम तक की बात हो गई। इसके बाद अभी क्लास रहता तो मैं आपसे कह देता आगे क्या आप खुद ही बना लो, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं सकता, मुझे ही सब कुछ बना के देना पड़ता है आपको। तो ये हो गया 7 कार्बन तक, 7 कार्बन के बाद 8 को कहते हैं ऑक्ट, 8 इज ऑक्ट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8 को कहते हैं ऑक्ट, ठीक है C8, तो
तो एच कितने आ जाएंगे, डबल करेंगे तो 16, दो जोड़ देंगे तो 18, 18, नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। 9 पे आ जाएगा नॉन, 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, सी 9, एच कितना हो जाएगा 20, नाम क्या हो जाएगा, नॉनेन। इसके बाद 10 पे आ जाएगा डेक, 10 को क्या कहते हैं, डेक, तो कितना हो गया, सी 10 एच 22, नेम इज व्हाट, डेकेन, नाम क्या हो जाएगा इसका, डेकेन। 11 अंडेक, 12 तक की जरूरत पड़ जाती है आजकल कभी कभी, अंडेक, सी 11, तो एच कितना हो जाएगा 24, अंडेकेन, अनडेकेन। तो फर्स्ट सीरीज में हम लोग केवल 12 तक जाएंगे, उसके बाद फिर 10 तक ही रहेंगे। इसके बाद डो डेक, और डो डेक तो सी 12 एच 26, नाम क्या हो जाएगा, डो डेकेन, ओके, डो डेकेन। तो इट इज अबाउट द 12 कार्बन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये 12 मेंबर्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। वंस मोर रिवाइज, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अंडेक डो डेक, ओके। तो 12 तक आपको इसको रिवाइज करना है। अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और क्लासिफिकेशन हो गया तो फिर आगे छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करेंगे, और धीरे धीरे IUPAC नेमिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इतना ईजी और इतने जल्दी से नहीं जा पाएंगे, बट बहुत परफेक्टली करना है। ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एंड आई होप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तक कवर करता है ऑर्गेनिक, है ना, 15 तो मिनिमम ही उसका हिस्सा ही है, लेकिन 2-3 ज़्यादा ही रहता है, अपने हिस्से से कम नहीं रहता है, ठीक है। तो कमांडोस, अब बहुत बहुत एनर्जी आपको ऑर्गेनिक में लगानी है, तो चलिए अगले लेक्चर में बात करते हैं आगे के क्लासिफिकेशन पर। ओके, थैंक यू।